नमस्कार दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़ में सैनिक रेस्ट हाउस या सैनिक गेस्ट हाउस जो है वो ढूंढ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में कहीं भी सर्विस करते हैं या आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपके डिपेंडेंट्स भाई बहन सारे जो है इस रेस्ट हाउस का जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम पूरी डिटेल विद चार्जेस और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपको बताएंगे कि सैनिक रेस्ट हाउस चंडीगढ़ का जो है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर ये लोकेट है। मैं हूँ तो और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेल फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सैनिक रेस्ट हाउस जो चंडीगढ़ के अंदर है वो लोकेटेड है 21D सेक्टर के अंदर और ओपोजिट में है यहाँ पे अरोमा होटल। जो अरोमा होटल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है और यहाँ पे बहुत सारे एसी रूम जो है, नॉन एसी रूम, डॉर्मेंट्री, आपको सिंगल बेड के एसी रूम, डबल बेड के प्लस 4 बेड के एसी रूम जो है बहुत ही किफ़ायती दाम पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप चंडीगढ़ में कहीं विजिट प्लान कर रहे हैं या बिजनेस मीटिंग में जाना चाहते हैं या आपके बच्चे के किसी कैरियर के लिए जाना चाहते हैं या जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको होटल की अपेक्षा बहुत ही कम दाम में बहुत अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो चलिए मैं अभी पहले आपको डिटेल्स बता देता हूं। जैसे कि एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, सेक्टर 21D के अंदर है, ओपोजिट अरोमा होटल है और इसके कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको डिस्प्ले में आते रहेंगे, वहां पे कॉन्टैक्ट करके भी आप उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स क्या है। यहाँ पे एसी के डबल बेड के 7 रूम्स हैं, एसी 4 बेड के 5 रूम्स हैं, एसी 6 बेड के यहाँ पे 1 रूम है, एयर कूलर डबल बेड का रूम 2 है, यहाँ पे एयर कूलर 4 बेड का रूम 1 है, सिंगल बेड बेडरूम 1 है, डॉर्मेट्री 8 बेड का होता है वो भी यहाँ पे 1 है, एक लार्ज यहाँ पे एसी हॉल है जो कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग फंक्शन जैसे बर्थडे वगैरह के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देता हूं कि चार्जेस क्या है। चार्जेस यहां पे बहुत ही मिनिमम है। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप डबल बेड का एसी रूम लेते हैं और डिफेंस पर्सन हैं तो आपको 350 पड़ जाता है और यहां पे सिविलियन भी इसको यूज कर सकते हैं, सिविलियंस को यहां पे 550 देना पड़ेगा। सिविलियंस को ये रूम तभी मिलते हैं अगर आर्मी वाला या डिफेंस वाला कोई भी जो है इसको नहीं लेता, रूम खाली रहता है। वीआईपी रूम यहां पे एसी है वो डिफेंस वालों को जो है 400 में मिलता है, सिविलियन को 600 में मिलता है। डबल बेड का रूम है, एयर कूलर है जो कि आपको 200 में मिलता है, डिफेंस पर्सन्स को, सिविलियन को 300 में मिलता है। 4 बेड का यहाँ पे एसी रूम है जो कि आपको 600 में मिलता है, डिफेंस पर्सन्स को, सिविलियन को 800 में मिलता है। 4 बेड का ही एसी कूलर रूम है जो कि 300 में मिलता है, डिफेंस पर्सन्स को, सिविलियन को 450 में मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे आप जो है अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी हमें मिलती है। मील यहाँ पे फ्रेंड्स अवेलेबल रहता है ऑन डिमांड, आपको जो है पहले प्री इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी तभी आपको जो है खाना मिल जाएगा। यहाँ पे पीएनबी का एटीएम भी अवेलेबल है, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस यहाँ पे लोकेटेड है फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर, टीवी एलईडी जो है इंस्टॉल्ड है एसी और नॉन एसी रूम दोनों के अंदर। और ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नंबर्स हैं इनके, प्लस ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी और ले सकते हैं और प्री में आप यहाँ पे जो है बुक करवा सकते हैं। और बेस्ट यही होगा कि अगर आपने जो है चंडीगढ़ आना है तो कम से कम 5 दिन या 6 दिन पहले आप यहाँ पर अपना रूम बुक कर लें और सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा कि अगर आप चंडीगढ़ का कहीं प्लान कर रहे हैं विजिट का या टूर का तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चाहे वो डिफेंस पर्सन है चाहे वो सिविल पर्सन है, सो दैट दोनों ही लोग इसका बेनिफिट ले सकें। आपका एक शेयर जो है किसी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।